फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी जिसका नाम है कोकोनट बर्फी। ये खाने में बहुत ही डिलीशियस होती है, इसको आप एक बार जरूर ट्राई करें। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इस बर्फी में क्या क्या हमको सामान लगेगा। उसकी सामग्री दो कटोरी कोकोनट का पूरा और एक कटोरी शुगर लगेगी। आधी कटोरी के लगभग हमें थोड़ा सा मिल्क लगेगा और उतना ही थोड़ा बहुत शुद्ध देसी घी लगेगा। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे बर्फी बनाना। उसके लिए सबसे पहले एक पैन रखिए, गैस ऑन कीजिए और उसमें 2 चम्मच शुद्ध देसी घी डालिए। अब इसमें सबसे पहले जाएगा हमारा कोकोनट पाउडर जो हमने 2 कटोरी लिया था। इसको अच्छे से सेक लीजिए, बस 2 से 3 मिनट, ज्यादा ना सेकें क्योंकि नारियल के बूरे को ज्यादा नहीं सेकते हैं। 2 से 3 मिनट सेकेंगे। हाँ फ्रेंड्स, अब हम डालेंगे इसमें शुगर जो हमने 1 कटोरी लिया था, और जल्दी से इसको मिलाते जाइए। ये खोपरा ज़्यादा सेकते नहीं है इसलिए शुगर अच्छे से मिल जाए, अब थोड़ा सा इसमें दूध जाएगा। बर्फी बहुत ही टेस्टी होती है। हाँ फ्रेंड्स, देखिए अब ये सब चीज़ें अच्छे से मिल चुकी हैं। अभी हमारी बर्फी जमाने के लिए रेडी है। उसके लिए आप इस प्लेट में घी लगा लीजिए, जिसमें भी आपको बर्फी जमाना हो उसमें घी लगा लीजिए और अच्छे से उसमें फैला दीजिए, जिससे कि हमारी बर्फी आसानी से निकल सके। मैंने एक प्लेट में घी लगा लिया है, अब इसको हम उसी प्लेट में जमाएंगे। फ्रेंड्स, अब आसानी सावधानी पूर्वक इस प्लेट में सारा मिक्सचर डाल देती है। अब इसको अच्छे से सारी प्लेट पे फैला दीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अब हमारी बर्फी मैंने निकाल ली है। पहले बड़ी प्लेट में निकाली थी पर उसमें नहीं जम पाई, इसलिए छोटी में करिए। इसको आप 1 घंटे के लिए रख दीजिए। मैंने ऊपर से सूखा खोपरा डाला है, अगर आपके पास हो तो डालिए, वो अच्छा दिखता है दिखने में, नहीं होता आप स्किप कीजिए। इसको 1 घंटे के लिए जमने रख दीजिए रूम टेम्परेचर पे। हमारी बर्फी जम चुकी है, इसको आप नाइफ की सहायता से काट लीजिए। आप कोई से भी शेप में इसको काट सकते हैं, स्क्वायर, डायमंड, किसी भी शेप में काट के आप इसको सर्व कर सकते हैं, और ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी होती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। हाँ फ्रेंड्स, देखिए हमारी बर्फी बन चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।